हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से नया डिजाइन वाला आपा लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं कैसे काटे हैं हम। तो आज एडिडास डिजाइन लाया हूँ मैं। तो आज बहुत दिन का बात आया हूँ नया डिजाइन कटिंग सिखाने के लिए। तो बहुत दिन का बात आया हूँ कटिंग सिखाने के लिए। तो आइए देखते हैं, तो आपके लिए नया डिजाइन सीखने के लिए मिलेगा, नया कटिंग सीखने के लिए मिलेगा, नया आपको जानकारी मिलेगा। तो आइए देखते हैं कटिंग कैसे करते हैं। तो मेरा सामने में जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आज वही आपा काटने वाला हूँ मैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, जाने से पहले एक बार जरूर कहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले कपड़ा को ठीक कर लेते हैं हम, उसका बाद काटने के लिए शुरू कर देंगे हम। थर्टी टू साइज के लिए यहाँ पे देंगे हम 9 इंच दे देंगे, 9 इंच देने के बाद यहाँ पे हम 7 इंच देंगे। ये शोल्डर है आपका, शोल्डर 14 इंच होगा तो 7 इंच दे दीजिएगा। उसका बाद ये है गला, गला के यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। उसका बाद हाथ का ये होगा मोहरा, जो हम लोग हाथ लगाता ना उसका मोहरा बोलता है, वहाँ पे हम लोग 9 देते हैं, तो आप भी 9 डाल दीजिए। उसका बाद 32 साइज के लिए यहाँ पे फिर से हम 9 इंच लेंगे, अच्छी तरह से स्केल को बिठा के 9 इंच हम चीन दे लेते हैं। हो गया, अभी हम लंबाई को मापेंगे। लंबाई हम देंगे 22। ये जो 32 साइज का अपर है तो उसका लेंथ हम देंगे 22 प्लस 1 इंची छोड़ देंगे वो फोल्डिंग के लिए, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे जो हम ऊपर की बॉडी के ऊपर के हम लिए थे 9 इंची, यहाँ पे हम 8.5 इंची लेंगे। 8.5 इंची लेने के बाद अच्छी तरह से चिनून दे लेके, देने के बाद हम काट देंगे इसको। हो गया, अभी काट देते हैं। ये कटिंग हो गया, अभी गला को थोड़ा सा काट लेते हैं। ये आपका हो गया, अभी हम हाथ को काटेंगे। हाथ को हम ब्लू कलर देंगे, ठीक है, आप कोई भी कलर दे सकती हो, हम यहाँ पे ब्लू कलर दे देंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें अच्छी तरह से, अच्छी फिनिशिंग की तरह से सिलाना है, मतलब को किसी का साइज़ गड़बड़ नहीं हो, मतलब पेन के कंफर्टेबल हो। उसके लिए हम फोन पार्ट को हम बैठा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे। 8 इंच देने के बाद हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। उसका बाद हम उसका हाथ का लंबाई लेंगे हम, इसका कितना था आपका 21, ठीक है, 21 दे के हम प्लस इलास्टिक के लिए 2 इंची छोड़ देंगे। 2 इंची छोड़ने के बाद क्या होता है, आप जब इलास्टिक लगाओगे ना तो आपका 21 फिक्स आ जाएगा। तो ठीक है, हम अभी फिलहाल नीचे में चिन दे लेते हैं। यहाँ पे हम 6 इंची देंगे, छोटा साइज है इसलिए हम 6 इंची दे देते हैं। तो ठीक है, ये रहा आपका इलास्टिक के लिए 2 इंची, वहाँ पे हम चिन दे देते हैं। हो गया, अभी हम अंदर का जो कटिंग होगा वहाँ पे हम चिन दे लेते हैं। अभी रहा राउंड दे लेते हैं, उसका बाद हम काटेंगे इसको। कट गया,
ठीक है, ये कट जाने के बाद हम अभी फोन पल्ला को रेडी करेंगे। उसका गला वाला काटना है, अभी जो स्किन पे आप जो डिजाइन देखा था अभी उसी डिजाइन को काटना है। तो ठीक है, हम डिजाइन को काटेंगे। ये गला को काट दिया, अभी हाथ के शेप के लिए थोड़ा सा काट कर देते हैं। अभी ये रहा चेन की तरफ, तो हमारा फोन पार्ट हो गया। अभी हम पॉकेट के लिए काट देते हैं। कोई बात नहीं, पॉकेट जैसे भी हो आप काट लीजिएगा, आपको मालूम ही हो जाएगा। तो हम पॉकेट को काट लिया है। पॉकेट कहाँ लगाना है उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। हो गया, अभी हम काटेंगे डिजाइन को। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। डिजाइन को काटने के बाद हम इसको लगाने दे देंगे। पहले हम डिजाइन को अच्छी तरह से चिन्हन दे लेते हैं। ये हो गया, अभी हमको ऐसा काटना है। ठीक है, हम अभी देखते हैं ताकि चेन लगाने के बाद डिजाइन सेम होता कि नहीं। यहाँ पे मैश कर दिया, अभी हम काट देते हैं। ये हो गया, अभी हम इसको ब्लू कलर को काटेंगे। ब्लू कलर को हम तीनों तरफ और इस तरफ हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि सिलाई मारना है ना, तो इसलिए हम थोड़ा बड़ा छोड़ देते हैं। ये हो गया, अब आएगा दूसरा तरफ। ये इसको अभी वैसे ही सेम काटना है, लेकिन नीचे के जो कटिंग किया है उसको थोड़ा बड़ा रखना है। आप ये हमेशा याद रखिएगा, उसको थोड़ा सा बड़ा रख दीजिएगा, नहीं तो बड़ा नहीं रखने से आप जब सिलाई करोगे ना तब आपका अपर छोटा हो जाएगा। अब हम सब फाइनल हो गया, आप इसको कॉलर को काट लेते हैं। छोटा के लिए हम छोटा साइज का कॉलर काट लेंगे। ठीक है, हो गया, अब आएंगे अगला।